जो यहाँ के ओनर भी कि वो रिक्रूट करते हैं बच्चों को वर्क वीजा दिलाने के लिए, चाहे राइट स्किल उनके पास होंगी है। तो बताना चाहेंगे पहले आपकी शॉप पर किस किस बच्चे की डिमांड है, मतलब कौन कौन से वर्क की डिमांड है पहले। तो कितने पैसे रफली बन जाते हैं जब आप फिलिंग की जॉब सुपरमार्केट में करती हैं, रफली एवरेज इंडिया के हिसाब से, जैसे एक से दो से तीन लाख रेंज बता दीजिए कितने बन जाते हैं। बहुत सारे इंडियंस मतलब कहते हैं जब न्यूजीलैंड जा रहे हैं 13 लाख में खर्च कर जाए, वहाँ जाकर जरूर देखिए सुपरमार्केट में कौन सी जॉब निकली हुई, और प्लीज वहाँ पर जाकर सिर्फ फोकलिफ्ट ड्राइवर वेयर हाउस में, और लड़कियों की भी इंट्री लीजिए, लड़कियाँ वहाँ पर पैकेजिंग का काम करती और क्लीनर दिखाई है हमें शॉप पर। और आज मैं लेकर जा रहा हूँ ग्रीन माँ के बच्चों को अपने साथ एक सिटी पेपा टाउन में जो न्यूजीलैंड ऑकलैंड में है, वहाँ दिखाऊंगा कि लड़के लड़कियाँ एज ए क्लीनर, वेयर हाउस, कैशियर, सेल्स, इवन पिकर और इवन की हेल्पर कैसे 2 से 3 लाख कमाती है, और कैसे इन्होंने यहाँ की नागरिकता ले ली हुई है, और जो लोग बहुत दिन से काम नहीं है उनके लिए भी एक अच्छा वीडियो है, तो वो भी देख सकते किस तरह सुपरमार्केट में अपने ग्रीन वर्क अपने पूरा कर सकते हैं। पर जो गाइस आज वीडियो को लाइक और कमेंट करेगा वो मेरे साथ नेक्स्ट टाइम टर्की जा रहा है, और मैं जा रहा हूँ टर्की विद नेक्स्ट 15 डेज में, तो गाइस वीडियो को लाइक और कमेंट तो बनता ही है। सर बताओ आपका नाम क्या है और आप इंडिया कहाँ से? मेरा नाम जशनप्रीत है। हाँ जी, मैं इंडिया से, पंजाब से। पंजाब से हो जशनप्रीत, आप यहाँ पर फोकलिफ्ट के ड्राइवर की जॉब कर रहे हो, और कितने सालों से ये जॉब कर रहे हो, और आप न्यूजीलैंड कैसे आए थे? मैं न्यूजीलैंड आया था स्टडी वीजे पे। कौन सा ईयर में? 2015 में आए थे स्टडी वीजा पर। तो फिर आपने वर्क वीजा कन्वर्ट कैसे किया? वर्क वीजा जब मैं आया था आफ्टर स्टडी, मुझे वर्क मिल गया ओपन। ओके, यहाँ जॉब ढूंढी। ओके, और वर्क अप्लाई किया। ओके, उसके बाद फिर रेजिडेंसी का जो अभी पीछे से रूल आया था 2021 में आया था, अप्लाई किया 2020 में। तो आप इस जो इनकी जो शॉप है, ये नंबर वन शॉप साइट पर दिखाया जाए, इनके साथ कब से जुड़े हो? इनके साथ जुड़े को हो गया 2.5 ईयर। 2.5 ईयर यहाँ पर आप क्या जॉब करते हो? जहाँ पर मैं जे ट्रक ड्राइव करता हूँ। ओके, कितने दिन काम करते हो? मैं 6 डे करता हूँ। 6 डे, और एवरेज कितना पैसा इंडियन रुपए से बन जाता है ओवर टाइम करने के बाद? बिटवीन 1 से 2, 2 से 3 लाख कितना बन जाता है? इतना बन जाता है जितना बोला आपने, 2 से 3 लाख बन जाता है। और आप यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ रहते हो, अकेले दोस्तों के साथ रहते हो अभी? नहीं नहीं, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, वाइफ नहीं है, मेरा कजन है। कजन, उनके साथ रहते हो, मतलब कि आप कजन के साथ रहते हो? सिंगल हूँ। आप भी सिंगल हो? ठीक है, सिंगल, कजन के साथ रहते हो। तो रफली कितना रेंट है यहाँ पर? रेंट है इधर $200 वीक। $200, तो मतलब कि आपका अकेले का? अकेले बंदे का 200 है। और शेयरिंग में? तो शेयरिंग में जैसे रूम नहीं शेयरिंग में होगा तो रूम सेपरेट होगा, 200 में सभी कुछ आएगा, ग्रोसरी छोड़कर, ग्रोसरी छोड़कर आएगा 200। तो गाइस पॉइंट नोट कीजिए, शेयरिंग में 100 के पास आता है, मतलब कि 400-500 इनका रेंट, और खाना डालकर $600 आप लगा सकते हो। और ये सर यहाँ पर जो सुपरमार्केट नंबर वन है, यहाँ पर फोकलिफ्ट की जॉब करते हैं, और क्या यहाँ पर जो फोकलिफ्ट का लाइसेंस है इजीली मिल गया था? इजीली मिल जाता है, कोई इशू नहीं इतना। कितना कितने दिन का टेस्ट, कितने दिन का था फोकलिफ्ट का? अराउंड 2 घंटे का। अराउंड 2 घंटे का होता है, तो फिर मिल जाता फोकलिफ्ट लाइसेंस। फोकलिफ्ट की तो बहुत जॉब होगी यहाँ पर ना? जॉब है, वेयर हाउस में है। तो जो बच्चे आपको रोल मॉडल देख रहे हैं उनको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए इन जॉब्स पर? जैसे सीक एक वेबसाइट है .co.nz.trade, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। आप खुश हो? ठीक है, सर, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। सर सबसे पहले बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहां से हो? सर मेरा नाम परमप्रीत सिंह है, और मुझे लोग सभी मोनू के नाम से जानते हैं। मोनू, आप कब इंडिया से यहाँ पर आए थे माइग्रेट न्यूजीलैंड? 2006 में, आपके बहुत एक्सपीरियंस। सर देखो यहाँ पर मैनेजर है ये, काफी 2006 से आए हैं। सर आप स्टडी पर आए थे, आपने खुद बताया, स्टडी को आपने वर्क वीजा में कैसे कन्वर्ट किया? सर मैंने अपनी पूरी स्टडी फिनिश करने के बाद जॉब अप्लाई किया था वर्क परमिट, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग मैंने किसी और कंपनी में जॉब की थी एज ए मार्केटिंग मैनेजर। ओके, उसके रिलेटेड मेरे को जॉब किया। तो मार्केटिंग मैनेजर की आपने जॉब की थी, उसके रिलेटेड आपको ग्रोसरी मार्केटिंग मैनेजर में? हाँ, तो फिर आपको वहाँ जॉब। आप जो ये जो न्यूजीलैंड की नंबर वन शॉप है जिस पर अभी है, कब से काम कर रहे हो? सर इसके साथ मैं 6 मंथ से जुड़ा हूँ। 6 मंथ से जुड़े, तो इसी लाइन में मैं काफी 15 ईयर से हूँ। 15 साल से हो इसी लाइन में। पॉइंट नोट किया जाए, सर यहाँ 15 साल से है, 15 साल से मार्केटिंग फूड इंडस्ट्रीज में है। तो सर आप जो मैम है, मैम ने भी इंटरव्यू ली थी जो यहाँ के ओनर भी, कि वो रिक्रूट करते हैं बच्चों को वर्क वीजा दिलाने के लिए, चाहे राइट स्किल उनके पास होंगी। तो बताना चाहेंगे पहले आपकी शॉप पर किस किस बच्चे की डिमांड है, मतलब कौन कौन से वर्क की डिमांड है पहले? ग्रोसरी का एक्सपीरियंस है जिसका पूरा। हाँ, कैशियर, कैश काउंटर में हो जाएगी, कस्टमर सर्विस की जॉब हो जाएगी। हाँ, और फिलिंग वाले स्टाफ की जॉब हो जाएगी, ट्रक ड्राइवर की जॉब हो जाएगी। ट्रक ड्राइवर की जॉब हो जाएगी। तो जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं उनका 20 आवर्स काम कर सकते हैं, तो वो आप उनको भी रिक्रूट करते हो? बिल्कुल, जॉब हो तो अगर कोई बच्चा इंडिया से आपको देख रहा है, वो आप सुपर अप्लाई करना चाहता है बिकॉज आपके पास, तो कैसे अप्लाई करें? आपकी वेबसाइट पर जाकर अपना सीवी, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाएं, अपना रिज्यूम कवर लेटर भेजें। तो गाइस आपको सीवी और कवर लेटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देना पड़ेगा। सर के पीछे एक और एम्प्लॉय भी काम करे। सर आना एक सेकंड इधर। बेटा आपका नाम क्या है? सुखदीप सिंह।
सुखदीप सिंह, आप इंडिया से कैसे आए यहाँ पर? वर्क वीजा पर आए। आपको इस शॉप से जुड़े कितनी देर होगी? आप फिलिंग का काम भी देख सकते हैं पीछे, सर फिलिंग का काम करते दोस्तों। तो कितनी देर होगी आपको यहाँ पर काम करते शॉप पर? 15 दिन हो गए। कैसा लग रहा है आपको शॉप पर? अच्छा लग रहा है। तो सर बिल्कुल नए हैं, सर यहाँ पर 15 दिन से काम कर रहे हैं, और सर आप खुश हो अपने डिसीजन से ना? हाँ जी। और आपकी जॉब क्या है डे टू डे? जॉब काम फिलिंग करना है। फिलिंग करना है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स वेरी मच। मोनू चलो, आपने बताया कि आपके स्टाफ की वैकेंसी इन लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, थोड़ा बताया यूजुअली पीआर का सीन क्या है? पीआर इजीली मिल जाती है वैसे? जनरली क्या पीआर मिल, कैसे मिलती है यहाँ पर? देखो पहले थी मिल जाती है, अभी तो काफी लीनियंट हुए, रूल चेंज हुए हैं, तो बहुत पीछे काफी के लोगों में पीआर इजी हो गई है। पीआर इजी हो गई है तो यहाँ पर जो टूरिस्ट वीजा वर्क वीजा कन्वर्ट हो जाता है बड़े आराम से, अगर फॉर्मेलिटीज पूरी आप कर दो तो लीगली चलो सब कुछ हो जाएगा। ये रिकवरी वीजा के इतने लोग गुरुद्वारा साहब में आए, रिकवरी वीजा बड़ा बच्चे आ रहे हैं, जो सिक्स में साइक्लोन आया था आपके यहाँ पर, तो क्या रिकवरी वीजा बच्चे बच्चों को भी काम मिल जाता है यहाँ पर जब आते हैं? हाँ सर, आजकल तो वैसे बहुत ज्यादा डिमांड है सभी, अच्छा नहीं था उन्होंने ओपन किया, सभी स्टूडेंट आने शुरू हो गए, सब जगह काम है तो काम ऑलमोस्ट सभी को मिल। तो किस किस, चलो ये तो क्या सुपर मार्केट में काम है, कौन सा सुपर मार्केट के नाम बोलोगे कोई बड़ी बड़ी? कौन से? काउंटडाउन, काउंटडाउन, ब्लू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड ये बड़ी है आपके? लीडल, टेस्को, एस्डा, सेंसबरी ये तो नहीं होंगे ना? यूके वाली नहीं, जस्ट वो ओपन हुआ है यहाँ पे, कॉस्को। कॉस्को हमारे भी कॉस्को है, यूके में कॉस्को है, कॉस्को खुल गया है, तो अभी फर्स्ट स्टोर ओपन हुआ उसका, काफी बड़ा है वो स्टोर ओपन हुआ है। जो लोग आप इंडिया से देख रहे हैं उनको आना चाहिए न्यूजीलैंड में अपनी जिंदगी बनाने के लिए? बिल्कुल सर, दे आर मोर मेस्ट वेलकम। बेटा आपका नाम क्या है और आप इंडिया कहाँ से हैं? मेरा नाम नवदीप है और मैं इंडिया से, पंजाब में से। नवदीप आप यहाँ पर फिलिंग की जॉब करी, गाइस जैसे फिलिंग की जॉब कर रही हैं यहाँ पर, तो नवदीप आप कब से न्यूजीलैंड आई थी? मुझे हो गए ऑलमोस्ट 6 years हो गया न्यूजीलैंड आई को, लेकिन यहाँ पे मैंने काम करी हूँ नियरली 1.5 years। 1.5 years से यहाँ पर काम कर रहे हैं आप, तो एज स्टडी वीजा पर आई थी? हाँ जी स्टडी वीजा पे। तो अभी आपका, आप पार्ट टाइम कर रहे हो क्या? आपका वर्क वीजा कन्वर्ट हो गया अभी? नहीं अभी मेरी रेजिडेंसी हो गई है। रेजिडेंसी, बधाई हो, पार्टी कहाँ है? मीठा खा ले, बिस्किट खिला दो, मजाक कर, जो मर्जी खाओ यहाँ, जो मर्जी खाओ। तो रेजिडेंसी आपकी होगी है ना? हाँ जी अभी थोड़े दिन ही। तो कैसे हुई कन्वर्ट रेजिडेंसी, बताएं स्टूडेंट से कैसे कन्वर्ट किया रेजिडेंसी का, बताएंगे? वर्क वीजा से नहीं कन्वर्ट किया था, यहाँ से, यहाँ पे रोल नहीं आए थे जो 2011 में, हाँ 2021 में सर, 21 में आए थे रेजिडेंस, तो उसमें आपने अप्लाई किया था, आपका काम हो गया था। हाँ जी। तो स्टडी कंप्लीट कर ली अभी? नहीं की स्टडी, नहीं वो कंप्लीट हो गई थी, 1 year की स्टडी थी। ओके। तो वो कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में वर्क वीजा था 3 years का, और बाद में मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया, तो बाद में अभी वीजा लग। तो कितने पैसे रफली बन जाते हैं जब आप फिलिंग की जॉब सुपरमार्केट में करती हैं, रफली एवरेज इंडिया के हिसाब से, जैसे 1 से 2, 2 से 3 lakh रेंज बता दीजिए कितने बन जाता है? नियरली लाइक 3,000 to 3,500 आफ्टर टैक्स ना, $4,000 के रफली, अगर ओवर टाइम करोगे तो 2.5-3 lakh हो गया ना रफली। तो गाइस पॉइंट हो गई, यहाँ पर 2.5-3 lakh बन जाता है जब मैम काम करती है, मैम ने स्टडी को रेजिडेंस परमिट कन्वर्ट कर लिया। देखो मैम अगर काम करती है पैसा बनता है, हार्ड वर्क है, ये नहीं कि, और ये नंबर वन शॉप। इनके अलावा और भी बताएं 2-3 सुपर मार्केट, कॉस्को खुल गया है, और कौन कौन सी का नाम है सुपर मार्केट यहाँ पर पब्लिक? और भी सुपरमार्केट है जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी है, और दूसरी भी, लेकिन मोस्टली मुझे इतना पता नॉलेज नहीं क्वांटिटी का। तो आपको यहाँ से, इनके साथ 1.5 साल से काम कर रही है? हाँ जी 1.5 साल, 1.5 साल से काम कर रही है। तो थैंक यू वेरी मच टाइम देने के, पर ये लड़कियों के लिए सेफ है ना? लड़की आना चाहिए, बिल्कुल सेफ है, गर्ल्स के लिए सेफ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स वेरी मच, बाय बाय बाय। जैसा कि आपने खुद देखा है तो सोच के बिंदास में सेव कट बनाकर इन सुपरमार्केट में जो साइट पर दिखाई है सब पर अपना भेजिए, और उसके लिए आप मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम आईडी रियल गैरी कुमार पर आ सकते हो, और मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है जहाँ पर मैं मात्र 5,000 में आपके ब्याह पर जो अप्लाई कर दूंगा 5 countries में, क्या पता मेरे बार एक बार अप्लाई करने से आपकी जिंदगी बन जाए। बाकी मैं आपको वेबसाइट दूंगा, बाकी आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑन द मेन टाइम आप जहाँ रहें सदा खुश रहें।